हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनीता शर्मा। मेरे चैनल किचन ऑफ अनीता शर्मा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि हमें घर पे घी कैसे निकालना है। घर में घी निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें कोई सा भी दूध, गाय या भैंस किसी का भी दूध को धीमी आंच में गर्म करना है। गर्म होने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें एक मोटी सी मलाई की परत जम जाती है। उस परत को हमें किसी कांच के बर्तन में निकाल लेना है और हल्का सा दही का जोरन ऐड करके रख देना है। इसी तरह 3-4 दिन का मलाई हमें उतार कर इकट्ठा कर लेना है और उसे किसी पतीले में निकाल कर अच्छे से भाना है। भाने के बाद उसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद ये देखिए मक्खन कैसे ऊपर तैरने लग जाती है। तो इस मक्खन को हमें निकाल लेना है और किसी बर्तन में निकाल कर उसे गैस पे गर्म करके उसे कड़का लेना है। और ये देखिए दोस्तों, ये घी कैसे निकल गई। तो दोस्तों, अभी तक आपने पूरी प्रोसेस नहीं देखी है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप पूरी वीडियो देखें, तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3-4 दिन का मलाई उतार कर इस प्याले में इकट्ठा करके रखा है। अब हमें इसे क्या करना है, किसी पतीले में निकाल कर इसे अच्छे से भा लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे पतीले में निकाल रही हूँ। अब इसे मथानी से हमें 10 मिनट तक बिना पानी डाले हुए इस तरह से मथना है। चारों तरफ से अच्छे से मथना है। मथने के बाद हमें इसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है। ऐड करके फिर इसे मथना है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ और थोड़ी देर फिर इसे 5 से 10 मिनट तक फिर मथना है। ये देखिए दोस्तों, कैसे चारों तरफ से मक्खन तैरना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें इसे किसी छुन्नी से हमें मक्खन को इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे मक्खन ऊपर तैरने लगा है। अब इसे हमें किसी बर्तन में निकाल लेना है। सारे मक्खन को एक तरफ इस तरह से दबाते हुए कर लेना है और मट्ठे को निकाल लेना है और उसे पानी डालकर सारे मक्खन को अच्छे से धो लेना है। आप इस मट्ठे को कढ़ी भी बना सकते हैं या इसे लस्सी के रूप में भी पी सकते हैं। मट्ठे बेकार नहीं होते हैं, घी निकालने के बाद मट्ठे भी काम में आ जाते हैं। अब हमें इस मक्खन को गैस पे चढ़ा के इसे कड़का लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने मक्खन से सारा पानी निचोड़ लिया है। अब इसे गैस ऑन करके इसे गर्म करने हमें रखना है। ये देखिए दोस्तों, मक्खन धीरे धीरे पिघलने लगा है। इसे हमें बराबर से चलाते रहना है और सुनहरा होने तक इस तरह से हमें चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से घी ना छोड़ दे। अब हमें इसे किसी कांच के बर्तन में छन्नी से छान लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये किस तरह से घी निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी घी निकल चुकी है। एक बार आप अपने घर में इसे निकाल कर ज़रूर देखें। अगर आपको मेरे घी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।